तो ये मनाली में मेरा आखिरी दिन था और आज मैं जा रहा था एक वाटरफॉल देखने, अंजनी महादेव। वाटरफॉल तो मैंने बहुत देखा है बट ये कुछ अलग था क्योंकि इसका पानी एक शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था। अब इस वाटरफॉल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो बस अपनी स्कूटी उठा के मनाली की सड़कों पे ऐसे ही निकला था। बट तभी मनाली के कुछ लोकल्स ने बताया इस वाटरफॉल के बारे में। देन आई थॉट व्हाई नॉट। हाँ जी, हेलो एवरीवन, आपके सब सारे बढ़िया हो, खुश हो गए, मजे में हो गए बहुत। तो यार आज हम लोग जा रहे हैं कि यहाँ पे एक अंजनी महादेव वाटरफॉल है, उसके अंदर क्या होता है ऐसे शिवलिंग रखा हुआ है और डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर आके वाटरफॉल से डायरेक्ट पानी गिरता है। तो सोलांग वैली की तरफ जाता हुआ जो रास्ता है, जैसे ही सोलांग वैली के पास आप पहुंचोगे, उससे थोड़ा सा आगे आके किसी से भी पूछ लेना, एक रास्ता कट रहा है ऊपर ट्रैक के लिए जो पूरा अंजनी महादेव तक जाता है, ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ से ऑप्शंस भी मिल जाएगी, जैसे कि एक तो ट्रैक करके जा सकते हो, ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, और दूसरा एक गाड़ी चलती है और घोड़े वगैरह चलता है। तो ये तीन तरह के ऑप्शंस है, ट्रैक, गाड़ी या फिर घोड़े। तो हम लोगों ने कौन सा चूज़ किया, हम लोगों ने चूज़ किया ट्रैक, क्योंकि हम लोग हमेशा ज़्यादा ट्रैक ही करते हैं। तो अभी यहाँ से जाएंगे ऊपर और फिर चलते चलते बातचीत करते हैं और ऊपर जाके एक बार नज़ारा देखते हैं। तो अब अगर मैं इस ट्रैक के रास्तों की बात करूँ तो ये पत्थरों वालों तो था बट मुश्किल नहीं, अब जो भी आएगा उसको मज़ा तो काफ़ी आएगा। और अब ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर ऑफ ट्रैक कवर करने के बाद अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप इस टाइम पे ऑलमोस्ट बज रहा है 160 मीटर के आसपास, बट मेरे को यहाँ पे दूर दूर तक कोई वाटरफॉल तो नहीं दिख रहा। रास्ता थोड़ा ना वैसा है, ऊबड़ खाबड़ टाइप, थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ने को, ये एक सीधा रास्ता, ये एक मिला है बहुत टाइम बाद, अभी तो इसी पर चला जा रहा है, सांस फूल जाती है थोड़ी। डिस्टेंस उतनी नहीं है, मैंने तो बहुत लंबे लंबे ट्रैक करे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी जब ऊपर नीचे वाला रास्ता होता है ना तो सांस तो फूलती है। बट ट्रैक करने के बाद कोई एक अच्छी चीज़ देखने को मिले तो उसका मज़ा अलग ही है। बाकी मैं वेट कर रहा हूँ कि देखिए, क्योंकि यार मेरे को यहाँ से कोई भी वाटरफॉल दिख नहीं रहा। देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि ये जो बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ के ऊपर यही वाली है। भाई कितनी दूर है यहाँ से वाटरफॉल? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर? यार मैप पे 900 मीटर 160 मीटर दिखा रहा है। तो कह रहा है कि तो इतना ही होगा। 1.5 किलोमीटर के 160 मीटर है, समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी है चलते हैं। रात थोड़ा ऊपर आने के बाद वाटरफॉल तो दिखने लगा और समझ में आ गया कि है कहाँ पे। अभी ये वाली लोकेशन दिखा रहा था जो वो मैप पे दिखा रहा था, जैसे यहाँ पे पहुँचे उसने बोला अराइव, बट मेरे को तो मेन वाटरफॉल देखना था। वो देखो शायद दिख रहा हो वहाँ पे, उधर वाटरफॉल है, वहाँ से थोड़ा ऊपर पहाड़, ये बर्फ बर्फ वाला रास्ता है, इसको पार करके जाना होगा। ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा ही बचा है, वहाँ तक भी चलते हैं एक बार और फिर वहाँ पे जाके व्यू देखते हैं। वो देखो वो है ना, वो वाला। चलो तो यहाँ पे जब आप लोग आओगे तो बहुत सारी शॉप्स भी है, देखो आराम से बैठो, मैगी वैगी खाओ, चाय वाय पियो। पर यहाँ से ये रास्ता स्टार्ट हो रहा है, ये पानी ऊपर से पुल पे को जाएगा और फिर ऊपर जाके थोड़ा बर्फ वाला रास्ता है, वहाँ से जाया जाएगा। अभी तो इधर से चलते हैं। सर फाइनली अभी ये रास्ता स्टार्ट हो गया यहाँ से, ये पूरा यहाँ पे बर्फ है, ब्लैक आइस टाइप लग रही है, तो स्लिपरी भी होगी, तो जो भी जाए आराम से जाना। और वो वहाँ पे वो ऊपर वाटरफॉल दिख रहा है जो, तो वो वाला वाटरफॉल है। अभी यहाँ से चलते हैं। और अब इस स्लिपरी बर्फ पे थोड़ा चलने के बाद फाइनली मैं वाटरफॉल के बहुत करीब पहुंचा।
भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे चप्पल उतार दिया और भाई ये इतना ठंडा हो रहा है ना इस टाइम पे, फर्स्ट बहुत नेक्स्ट लेवल की ठंड लगी है। अब बस यहाँ से ये जाना है, वो क्रॉस करना है और ये आ गया और पैर इस टाइम पे बिल्कुल सुने, कुछ पता नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ठंडे हो रखे हैं, बिल्कुल ऐसा बर्फ हो रखी है, बिल्कुल ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अभी आगे चलते हैं, फाइनली अभी ऊपर पहुंच चुका। अब ये देखो ये वाटरफॉल आ रहा है और ये बीच में वहां पे वो रखा है शिवलिंग जिसके ऊपर ये डायरेक्ट आके गिरता है। पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, पैर इस टाइम पे बिल्कुल सूज हो चुके हैं। अभी बाकी ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के थोड़ा सा और ज़्यादा तो यार ऐसा कुछ सीन है, ये यहाँ पे शिवलिंग है और ये ऊपर से डायरेक्ट आ रहा है वाटरफॉल और डायरेक्ट यहाँ पे आके गिर रहा है। बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है और पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं, बट फील है। अभी हो चुका और अब मैं नीचे जा रहा हूँ इस टायर से। अब इस टायर से नीचे चलते हैं, इसका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं कितना इसमें मजा आने वाला है। वो मजा आया, अब मैं नीचे पहुंच चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। अब अंजनी महादेव वाले ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में। मैंने सोचा कि हिमाचल में आए हो तो हिमाचल के ब्लॉग की ख़त्म जो होगी, हिमाचल के ब्लॉग की एंडिंग जो होगी वो एक हिमाचली टोपी के साथ होनी चाहिए, क्या बोलते हो? तो चलो बस मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।